दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो में पहुंच चुके थे कर्ण प्रयाग तक, और मैंने आपको बताया कि कर्ण प्रयाग को क्यों प्रयाग कहा जाता है। वैसे अगर आप कभी भी चार धाम यात्रा पर जाएंगे तो आपको पंच प्रयाग के जो दर्शन है वो होंगे, और जितने भी प्रयाग हैं वो प्रयाग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, जिस वजह से इनको प्रयाग बोला जाता है। तो फिलहाल कर्ण प्रयाग में भी दो नदियाँ आती हैं, वो कौन सी हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर से उसको देख लेना। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम कर्ण प्रयाग से जाएंगे जोशीमठ तक। हालांकि ये जो रास्ता है ये रात में रहने वाला है क्योंकि हमको रात हो गई थी, और उसके बाद में हम थोड़ा बहुत जो डिनर है वो करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंजॉय करना। कुत्ते ही भोंक रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं। भंडारा चल गया, खाना चाहो तो खा लो। यहाँ पे लोग चंट अंधेरा हुआ पड़ा रात में, लेकिन हम गाड़ी चला रहे हैं जो सिमट की लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो हम पति ना रात में चढ़े नहीं जाए, वैसे कुछ नहीं पता, वैसे तो जो सिमट में रुकांग गया। ये देखिए हम रात में जोशीमठ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका, कुछ नहीं देख पा रहा है। जय बद्रीनाथ बाबा के, ये देख सकते हैं आप, और ये पीछे बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झटके भी हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार। ये मनोज भाई आगे मोटर की गाड़ी चल रही है, ये देखते हैं मनोज भाई ये देखा गाड़ी। और गाइस हम फाइनली पहुंच गए जोशीमठ, और जोशीमठ पहुंचने के बाद में आप देख सकते हैं सबकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि सभी ने पहली बार इतनी लंबी बाइक ड्राइव की थी। आज तक किसी ने भी इतनी लंबी जो ड्राइविंग थी वो नहीं की थी, तो आप सभी के चेहरे देख सकते हैं कितने ज्यादा थकान से भरे हैं। और फिलहाल मैं भी काफी ज्यादा थक गया था, और ये मेरी लाइफ में पहली बार था जब मैंने 400 से ज्यादा किलोमीटर की ड्राइव एक साथ की हो। तो हमने 404 किलोमीटर की जो ड्राइव थी वो की मुरादाबाद से जोशीमठ तक की, और काफी ज्यादा एडवेंचरस रहा सब कुछ। और रात में भी हमें ड्राइविंग करनी पड़ी, हालांकि हमने रात के 8 या 8:30 बजे तक ड्राइव की और हम 8:30 बजे जोशीमठ पहुंच गए। तो फिलहाल हमने यहाँ पर ही अपना जो डिनर है वो किया और यहाँ पर हमने स्टे किया। तो अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी जब हम जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।